Hello friends, welcome to Bio Unplugged. You're watching the second video of the transcription series. So, इस वीडियो में हम लोग RNA polymerase और promoters के बारे में deep discussion करेंगे. Now, जो transcription की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग mainly तीन phases में categorize कर सकते हैं. Initiation phase, elongation phase and the termination phase. Now, जो इनिशिएशन फेज है, इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट इज स्पेसिफिकली रिक्रूटेड टू द प्रमोटर. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कंस्टिट्यूट ऑफ थ्री थिंग. द फर्स्ट वन इज द प्रमोटर, द सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज द टर्मिनेटर. सो जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन का हम लोगों को एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन करना है, उस स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में जो प्रमोटर है, उस प्रमोटर में स्पेसिफिकली आके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके ना वो उस स्ट्रक्चरल जीन को वो एक्सप्रेस कर पाएगा, है ना. सो फॉर दैट इनिशिएशन फेज में आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड इट्स रिक्रूटेड टू द प्रमोटर एंड जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको वो सिंगल स्टैंडर्ड में तोड़ता है, सो दैट वन स्ट्रैंड कैन सर्व एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड वन एक्ट एज अ कोडिंग स्टैंड. जो कोडिंग स्टैंड का यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है नहीं, जो भी है टेम्पलेट स्टैंड है और टेम्पलेट स्टैंड ही एक्टिव साइड में मतलब असेंबल होता है और पार्टिसिपेट करता है इन द ट्रांसक्रिप्शन. सो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अ स्मॉल रेप्लिकेशन बबल यूज टू फॉर्म एंड आफ्टर दैट जो आरएनए पॉलीमरेज अभी प्रोमोटर पे अटैच था, वो अभी फर्दर मूव करना स्टार्ट करेगा, सो दैट जो स्टार्ट साइट है वहां से, वो स्टार्ट साइट से जो प्लस वन है, दैट इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द स्टार ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, उसको वो इनकोड कर पाए, तब्दील कर पाए इनटू द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए. ओके, सो फॉर दैट उसको फर्दर आगे मूव करना पड़ेगा और जब वो आगे मूव करेगा तो प्रमोटर को एस्केप करेगा और जब ये प्रमोटर को एस्केप करेगा, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द इनिशिएशन फेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द एलोंगेशन फेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन फेज इन द सेपरेट वीडियो, बट इन दिस वीडियो वी विल कंसंट्रेट ऑन द आरएनए पॉलीमरेज एंड द प्रमोटर. आरएनए पॉलीमरेज के अगर हम लोग डिटेल, उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सो इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, रेप्लिकेशन में तो लगभग पांच डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट थे, लेकिन इन केस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इज देयर एंड वन आरएनए पॉलीमरेज इज सफिशियंट टू परफॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो वन आरएनए पॉलीमरेज, बट द क्वेश्चन इज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम all genes are not expressed simultaneously. So how the RNA polymerase know that at what point of time which gene to be expressed? So इस question का हम लोग answer समझने के लिए अभी first of all हम लोग RNA polymerase का structure समझेंगे, उसके कितने channels है समझेंगे, फिर वो promoters पे कैसे specific gene के स्पेसिफिक प्रोमोटर पे कैसे रिक्रूट होता है वो समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के साथ. तो अगर आरएनए पॉलीमरेज का हम लोग अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें, तो इट अपीयर्स लाइक अ क्रैब क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो जैसे क्रैब के क्लॉ में दो पिंसर्स होते हैं, ठीक आरएनए पॉलीमरेज में भी दो पिंसर्स हैं, ठीक है, और ये जो दो पिंसर्स के बेस में ही एक्टिव साइट फॉर्म होता है. और जो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज के अगर हम लोग इसमें सब यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करें कि इसमें कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट है, तो इसमें टोटल चार टाइप्स ऑफ सब यूनिट प्रेजेंट है, चार टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, अल्फा, बीटा डैश, बीटा एंड ओमेगा. इसमें जो अल्फा वाला है, ये अल्फा इसके दो नंबर में प्रेजेंट है, मतलब दो कॉपीज प्रेजेंट है अल्फा के. सो अल्फा अल्फा one copy of beta dash, one copy of beta and one copy of omega. So total five subunits, four types of subunit, lekin number agar count kare total to five subunits total present hai. So isme agar hum log abhi each subunit ke functions ke bare mein discuss kare, to jo बीटा डैश है, जो ऊपर पाया जाता है, जो नीचे बीटा है, ये बीटा और बीटा डैश का जो मेन फंक्शन है कि वो जो जो डीएनए है, उस डीएनए को वो
इनसर्कल करे, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड है कि ये जो दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट स्ट्रैंड को एक्टिव साइट में प्लेस करे, और जो कोडिंग स्टैंड है उसका कोई काम नहीं है। मेन यहां पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो एक्टिव साइट में प्लेस होता है, और बीटा डैश का ये भी फंक्शन है कि जो एक्टिव साइट है उसको उसके फॉर्मेशन में भी वो मदद करता है। जो बीटा और बीटा डैश का जो फंक्शन हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके अलावा जो बीटा बीटा डैश है वो इन केस ऑफ द ई कोली द बीटा बीटा डैश आर टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, लेकिन देर आर डिफरेंट बैक्टीरिया जहां पे ये जो बीटा और बीटा डैश है ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में ही पाए गए हैं। मींस देयर इट इज नॉट टू सेपरेट सब यूनिट्स, इट इज वन सेपरेट वन सब यूनिट इन कॉमन, मतलब एक ही सब यूनिट है। सो ये भी पाया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट। नाउ जो ओमेगा सब यूनिट है, ओमेगा सब यूनिट का एक्टिव साइट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से कोई लेना देना है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि ओमेगा सब यूनिट्स जो आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलाइज करने में मदद करता है। अब अगर हम लोग अल्फा सब यूनिट के बारे में डिस्कशन करें तो अल्फा सब यूनिट का दो पोर्शन है, एक तो एन टर्मिनल, हर एक प्रोटीन का एक एन टर्मिनल पोर्शन रहता है, एक सी टर्मिनल पोर्शन रहता है। तो यहां पे जो अल्फा सब यूनिट है उसका एन टर्मिनल जो सब यूनिट मतलब जो पोर्शन है वो एन है वो डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएट रहता है, और जो सी टर्मिनल है वो हैंग करता है, और ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में एक फ्लेक्सिबल रीजन है, ठीक है, जो सी टर्मिनल को एन टर्मिनल के साथ जोड़े हुए रखता है। So, ये हो गया अल्फा सब यूनिट का स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक पार्टली एक फंक्शन ये भी है कि ये जो प्रमोटर है प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। दो इट्स प्राइमरी रोल इज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रमोटर, लेकिन ये करता है, किसको करता है, कैसे करता है, इसको हम लोग देखेंगे फर्दर। तो ये जो हम लोगों ने टोटल 5 सब यूनिट्स हम लोगों ने देखे RNA polymerase, ये 5 सब यूनिट्स टुगेदर दे आर कॉल्ड द RNA polymerase कोर एंजाइम। कोर एंजाइम इसलिए बिकॉज दे आर द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द RNA polymerase एंजाइम, ठीक है। और ये जो कोर एंजाइम है, क्या ये कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है? यस, ये कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। क्या ये कोर एंजाइम प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है? द आंसर इज नो, ये प्रमोटर को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सो ये जो कोर एंजाइम है ये डीएनए को रिकॉग्नाइज कर सकता है, हां, ये डीएनए से अटैच हो सकता है, हां, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है, हां, लेकिन प्रमोटर को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सो ये ट्रांसक्रिप्शन तो कर सकता है, डीएनए में कहीं भी अटैच हो जाएगा, कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा, आरएनए भी बनाएगा, लेकिन कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगा। क्या बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि रैंडमली कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए? सो द आंसर इज नो, कि दो कोर एंजाइम कर तो सकता है कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ही सोचिए, अगर ऐसा होगा तो ये जो हम लोग एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आपको दिखा रहे थे कि एक प्रमोटर रहता है, स्ट्रक्चरल जीन रहता है, जो स्ट्रक्चरल जीन है उसी को मेरे को ट्रांसक्राइब करना है, प्रमोटर को भी नहीं करना है, जो टर्मिनेटर है उसको भी नहीं करना है, और बाद वाला जो जीन है उसके भी स्ट्रक्चरल जीन को मेरे को नहीं करना है, बस इसी स्ट्रक्चरल जीन को करना है। सो इन दैट केस ये जो अगर जो कोर एंजाइम है उसमें क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं है प्रमोटर के साथ बाइंड करने के लिए, वो कहीं भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है शायद वो स्ट्रक्चरल जीन के बीच से पॉलीमराइजेशन करना शुरू करे और कहीं भी जाके एंड होगा, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा, वो एक अनस्पेसिफिक प्रोटीन होगा जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। सो द सेल डोंट नीड इट, सो देयरफॉर नेचर ने एक अलग एक दूसरा एक फैक्टर दिया है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर एसोसिएट होता है इस आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम के साथ और फॉर्म करता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। अर्थात जब आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ एसोसिएट होगा
इट विल फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, और इस आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के पास ये एबिलिटी है कि ये स्पेसिफिकली जाके जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का जो प्रोमोटर है वहां पे स्पेसिफिकली जाके वो अटैच होगा, प्रोमोटर के साथ प्रॉपरली अलाइन होगा, सो दैट द नेक्स्ट व्हाट इट कैन डू इज दैट इट कैन प्रॉपरली स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट. सो फॉर दिस द सिग्मा फैक्टर कम्स इनटू प्ले. सो अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम कहीं भी अटैच हो जा रहा था, लेकिन सिग्मा फैक्टर के जुड़ने के बाद उसको यूं कह सकते हैं उसको एक सेंस मिला, उसके लाइफ में एक दिशा आया कि उस डायरेक्शन पे वो चलना स्टार्ट किया. उसके पहले वो भटक रहा था, कहीं पर भी जाके अटैच हो जा रहा था. सो दिस इज द केस. नाउ इसका जो सीक्वेंस है ये भी आपको समझना जरूरी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे कोई ऐसा बोले कि जो प्रमोटर है वो प्रमोटर में जाके पहले सिग्मा फैक्टर अटैच हो जा रहा है और बाद में वो सिग्मा फैक्टर एक आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम को वहां पे रिक्रूट कर रहा है. तो ये जो सीक्वेंस है दिस सीक्वेंस इज रॉन्ग, मतलब ये ऐसे नहीं होगा. पहले जो आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम है उस आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम के साथ सबसे फर्स्ट सिग्मा फैक्टर एसोसिएट होगा, होलो एंजाइम फॉर्म करेगा, ओनली आफ्टर दैट इट विल अटैच टू द प्रमोटर. सो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को ये फॉलो करेगा. ओके, सो नाउ दैट वी नो कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है आफ्टर दैट इट कैन अटैच टू द स्पेसिफिक प्रमोटर. नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोगों ने इस वीडियो के पहले एकदम शुरू में एक क्वेश्चन रखा था कि आरएनए पॉलीमरेज तो एक है, लेकिन उस एक आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलता है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से जीन का एक्सप्रेशन करना है कौन से जीन का एक्सप्रेशन नहीं करना. सो यहां इस चीज के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज तो एक है, लेकिन जो हम लोगों ने जो सिग्मा फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया, ये सिग्मा फैक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स एसोसिएट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ. और उस वो सपोज एक सिग्मा फैक्टर वन अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज के साथ, वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स को एक्सप्रेस करेगा. सपोज सिग्मा फैक्टर टू अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज के साथ, वो एक डिफरेंट जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा, एंड सो ऑन. सो इन दिस रिगार्ड देर आर फोर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स दैट आर कॉमनली नोन एंड डिस्कस्ड दैट वी नो, जो एसोसिएट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज को डिफरेंट प्रोमोटर्स को प्रोमोटर्स के ऊपर उनको रिक्रूट करते हैं. फॉर एग्जांपल सिग्मा 70 द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्मा फैक्टर. तो सिग्मा 70 जो है सिग्मा 70 हाउसकीपिंग जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो सिग्मा 54 नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन आता है सिग्मा 32 इन रिस्पॉन्स टू द हीट शॉक जो रिस्पॉन्स बैक्टीरिया जनरेट करता है इन द डिफेंस. फॉर एग्जाम्पल वो शेपरोन प्रोटीन्स एक्सप्रेस करते हैं, सो फॉर दैट रिस्पॉन्स सिग्मा 32 इज एसेंशियल. अगर सिग्मा 28 अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज को, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को उस प्रमोटर पे अटैच करेगा जो फ्लैजेलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इन दिस वे डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन विद द आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रिगर एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैनल्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज. सो आरएनए पॉलीमरेज में टोटल 6 चैनल्स हैं. तो उन 6 चैनल्स को डिस्क्राइब करने के पहले आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जिसको हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी डिस्कशन किया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट में टेम्पलेट स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है, कोडिंग स्ट्रैंड का यहां पे कोई रोल है नहीं. तो हम लोग अगले इसके आने वाले पिक्चर पे देखेंगे कि जो एक्टिव साइट है वहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड ही
पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव साइट में जा रहा है, वेयर एज द कोडिंग स्ट्रैंड जो है उसको हम लोग बाईपास कर दे रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही उसको हम लोग बाईपास कर दे रहे हैं, वो एक्टिव साइट पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। और इससे हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करता है, और जो आरएनए नया आरएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन सिंथेसिस हो रहा है वो 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब सेम चीज हम लोग देखेंगे कि ये आरएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट्स के अंदर वो कैसे अरेंज हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। और आरएनए पॉलीमरेज में कहां से डीएनए घुस रहा है, कहां से डीएनए निकल रहा है, कहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड, कहां पे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कोडिंग स्ट्रैंड अरेंज हो रहा है, कहां से आरएनटीपीस एंट्री हो रहा है, कहां से नया आरएनए जो बन रहा है वो निकल रहा है, इन सब को हम लोग नेक्स्ट इमेज पे डिस्कशन करेंगे। सो इन दिस इमेज आपको दिख रहा होगा कि ब्रॉडली जो आरएनए पॉलीमरेज है उस पे टोटल 6 एंट्री एग्जिट चैनल्स हैं। सबसे पहले तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एंटर कर रहा है एंट्री चैनल, ठीक है, जिसको हम लोग डाउनस्ट्रीम डीएनए एंट्री चैनल भी बोल सकते हैं। जब वहां से डीएनए एंटर किया, बीच में एक ट्रायंगुलर शेप है जहां पे वो जो दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट हो रहा है, और जो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो नीचे के तरफ एक्टिव साइट में घुस जा रहा है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है यानी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ऊपर से बाईपास कर जा रहा है। जो वो ऊपर से जहां से नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो पास हो रहा है उसको जो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेम्पलेट चैनल और कोडिंग चैनल, ठीक है, और जो जहां से टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्टिव साइट से जहां से पास हो रहा है, जहां से वो निकल रहा है विद इन द आरएनए पॉलीमरेज, उसको हम लोग बोल रहे हैं टेम्पलेट चैनल। ओके, सो ये जो एक्टिव साइट है जहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड ने असेंबल हुआ है, जहां पे एक्टिव साइट पे हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्टिव साइट में असेंबल हुआ है। ओके, यहां पर मैं और एक चीज बता दूं, इस इमेज के बाद एक नेक्स्ट इमेज आएगा जहां पे ये जो कोडिंग स्ट्रैंड ऊपर है उसको नहीं दर्शाया जाएगा, जो नीचे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है हम लोग उसको देखेंगे, और जो नया आरएनए सिंथेसिस हो रहा है उसको देखेंगे, इस ऊपर के पोर्शन को नहीं देखेंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी एक्टिव साइट पे हम लोग जूम करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो वापस आते हैं, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो असेंबल हुआ है एक्टिव साइट में, और वहीं से आरएनए का सिंथेसिस भी हो रहा है फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। अब ये जो 3' डायरेक्शन पे नया न्यूक्लियोटाइड आरएनटीपी को अटैच होना है, सो वो नया आरएनटीपी कहां से आएगा, सो आरएनटीपी एंट्री चैनल से, जो नीचे से ऊपर आ रहा है, जो आरएनटीपी एंट्री चैनल से नया आरएनटीपी क्या होगा, एंट्री होगा, और वो सारे आरएनटीपी डायरेक्ट एक्टिव साइट पे वो लोग एंटर करेंगे। ओके, और जो नया आरएनए बन रहा है 5' 8' साइट से वो जो एलोंगेट हो रहा है, और वो 5' end जो है वो आरएनए एग्जिट चैनल से वो एग्जिट करेगा। नाउ इस पिक्चर पे जो एग्जिट चैनल है आरएनए का वो नीचे के तरफ दिखाया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बुक पे कुछ कुछ जगह पे जो एग्जिट चैनल है वो ऐसे ऊपर है। नो दैट्स नॉट एन इशू, यहाँ पे जो हम लोगों को समझना है कि कितने चैनल से क्या है और कहाँ से कैसे क्या निकल सकता है, तो उस चीज को यहाँ पे विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे आप इस चीज को समझे कि जो आरएनए नया बन रहा है वो आरएनए एग्जिट चैनल से एग्जिट कर जाएगा। फाइन, नाउ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका जिससे ट्रांसक्राइब करना था जो हो गया, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड फर्दर आके और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो फर्दर आके फिर से रिवाइंडिंग हो रहा है और अपस्ट्रीम एग्जिट चैनल के थ्रू वो निकल जा रहा है। सो ये एक चैनल हो गया। सो टोटल हम लोगों ने यहां पे 6 चैनल देखा, एक फर्स्ट जहां से डाउनस्ट्रीम जो डीएनए है, जो नया डीएनए है वो अंदर घुस रहा है, वो अनवाइंडिंग हो रहा है, दो सेपरेशन हो रहा है इनटू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड इन द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिव साइट में, असेंबल हो जा रहा है एक्टिव साइट में, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो बाईपास हो गया और फिर से वो रिवाइंड हुआ और जो अपस्ट्रीम एग्जिट चैनल है उसके थ्रू वो एग्जिट कर गया। तो एंट्री कहां से हो रहा है, डाउनस्ट्रीम एंट्री चैनल, और एग्जिट हो रहा है अपस्ट्रीम एग्जिट चैनल। This is clear. बीच में ऊपर वाला है
नॉन टेम्पलेट चैनल और टेम्पलेट, नीचे है टेम्पलेट चैनल, एक है आरएनए एंट्री आरएनटीपी एंट्री चैनल, एक है आरएनए एग्जिट चैनल। सो टोटल 6 चैनल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, समझ लिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे इनटू द एक्टिव साइट, जहां पे हम लोग सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड को और जो नया आरएनए बन रहा है उसको विजुअलाइज करेंगे। ओके, नाउ जो आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट में जूम इन करते हैं। ओके, नाउ उसमें जूम इन करने के पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि जो एक्टिव साइट है उस पर हम लोगों को कोडिंग स्ट्रैंड नहीं देखने को मिलेगा, ओनली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो नया आरएनए बन रहा है वही देखने को मिलेगा, जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके, नाउ इस पिक्चर पे आपको फिलहाल कोई भी स्ट्रैंड, चाहे वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो या नया आरएनए स्ट्रैंड हो, नहीं दिख रहा है। सो यहां पे सिंपली आपको मैग्नीशियम या कॉपर आयन, जो मेटल आयन्स है वो दिखेंगे। तो ऊपर एक आयन है, नीचे एक आयन है, टोटल आरएनए पॉलीमरेज में दो मेटल आयन्स रहते हैं। नाउ वन मेटल आयन इन द आरएनए पॉलीमरेज इज परमानेंट, एंड जो दूसरा नीचे वाला मेटल आयन है वो परमानेंट नहीं है, वो इनकमिंग आरएनटीपी के साथ आता है। ओके, सो नाउ आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला स्टैंड है वो टेम्पलेट स्टैंड है और जो नीचे वाला स्टैंड है वो आरएनए है। सो जो नीचे वाला स्टैंड है आरएनए है, उसका जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो साइटोसिन अभी अटैच हुआ है और उसका 3'OH अभी फ्री है। ओके, और ये 3'OH जो नया इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके अल्फा फॉस्फेट को अटैक करने वाला है। ओके, सो अभी जो टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड में अभी जो न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है फ्री वो है एडेनिन। सो एडेनिन के रिस्पॉन्स में कौन सा भी नया आरएनटीपी अटैच होगा उसके अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में यू अटैच होगा। तो देखिए अभी यूटीपी आरयूटीपी, ठीक है, तो वो अभी बाइंडिंग पॉकेट में एक्टिव साइट पे अटैच है, आया है इनकमिंग आरएनटीपी के तौर पे वो आया है। तो आरएनटीपी एंट्री चैनल और उसमें अभी टोटल 3 फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, गामा फॉस्फेट। सो अभी क्या होगा, अभी जो ऊपर वाला मेटल आयन है वो अटैक करेगा, या जो 3'OH है साइटोसिन का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है ऑफ द आरएनए, उसके 3'OH से एच को हटाएगा, तो ओ रह गया। अभी ओ क्या हो गया, नेगेटिव है, लोन पेयर है, तो उस वो वाला ओ अभी क्या करेगा, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा जो इनकमिंग आरएनटीपी है, जो यहां पे एडेनिन है हाल फिलहाल, ठीक है, वहां पे वो अटैक किया। और मीनवाइल जो नीचे का जो आयन है, मेटल आयन है, वो क्या करेगा, वो जो बीटा और गामा फॉस्फेट है, दो फॉस्फेट, उन दोनों को वो न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। सो इसके चलते क्या होगा, बिकॉज ये जो 3'OH था उसका जो 3'O नेगेटिव है, वो ओ नेगेटिव अभी क्योंकि अल्फा फॉस्फेट को न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, सो जो आरएनटीपी आया उसमें से जो दो फॉस्फेट थे बीटा गामा फॉस्फेट हट गए इन अ फॉर्म ऑफ पाइरोफॉस्फेट और आरएनए एग्जिट चैनल से वो निकल गए, और जो बच गया वो है हमारा एएमपी, आरएएमपी जो राइबो सुगर का बना हुआ है वो अभी अटैच हो गया। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो ये जो पहले जो साइटोसिन में 3'OH था वो ओ अभी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू अभी एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है, अभी एडेनिन टर्मिनल या लास्ट न्यूक्लियोटाइड बन गया हमारे आरएनए का। सो इस तरीके से जो एक्टिव साइट में जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। सो ये अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया अबाउट द आरएनए का जो भी डिटेल्ड सब यूनिट के स्ट्रक्चर्स थे, उनके फंक्शंस थे, और आरएनए में कितने एंट्री और एग्जिट चैनल्स है, कहां से क्या एंट्री हो रहा है, कहां से क्या एग्जिट हो रहा है, एक्टिव साइट में कौन कौन असेंबल हो रहा है, कैसे एक्टिव साइट में फंक्शन हो रहा है, तमाम आरएनए पॉलीमरेज के हम लोगों ने स्ट्रक्चर फंक्शनल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। नाउ वी विल मूव टू प्रमोटर। सो प्रमोटर में मेनली अगर हम लोग प्रमोटर को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जो स्टार्ट साइट है, स्टार्ट साइट के ठीक अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो
अब जो स्टार्ट साइट है, स्टार्ट साइट के 10 न्यूक्लियोटाइड और 35 न्यूक्लियोटाइड पहले अपस्ट्रीम पोजीशन पे, जिसके तौर पे यहाँ पे -10 और -35 से दर्शाया गया है। तो -10 में एक एलिमेंट पाया जा रहा है और -35 में एक एलिमेंट पाया जा रहा है। ये जो दो एलिमेंट है ये 6 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए, इसलिए हेक्सामेरिक सिक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस भी इसको बोल सकते हैं। ये दोनों ही कंसेंसस सिक्वेंस है, ठीक है, जो प्रोमोटर्स पे पाए जाते हैं। So, जो -10 एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स, जिसका सीक्वेंस है TATAAT, और एक है -35 एलिमेंट जिसका सीक्वेंस है TTGACA। तो ये जो दो मेन कंसेंसस सीक्वेंस है जो पाए जाते हैं, और ये दो जो कंसेंसस सीक्वेंस है प्रोमोटर में, इनके बीच का जो डिफरेंस है लगभग लगभग 17-20 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है इन दोनों के बीच पे। तो ये जो डिफरेंस है किसी किसी प्रमोटर्स पे यूजुअली 17-20 मेंटेन रहता है, लेकिन किसी किसी सीक्वेंस में, किसी किसी प्रमोटर पे ये आगे पीछे, मतलब बीच के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स गायब हो गए या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ गए, इनके बीच का दूर फासला बढ़ गया, अकॉर्डिंगली उनके एफिनिटी टू बाइंड द आरएनए पॉलीमरेज उसमें वो अंतर आएगा। तो फिलहाल ये आइडियल जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो प्रमोटर है उसको कंसीडर करते हैं। सो ये दो हेक्सामेरिक कंसेंसस सीक्वेंस है जो प्रमोटर पे पाए जाते हैं, और यही दो सीक्वेंस है अल्टीमेटली प्रमोटर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम लोग बात करें, अगर आरएनए पॉलीमरेज के कोड एंजाइम के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया कि कोड एंजाइम जो 5 टोटल सब यूनिट है, अल्फा 2, बीटा डैश, ओमेगा सब यूनिट, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्पेसिफिकली बाइंड टू दिस प्रोमोटर, दे कांट रिकॉग्नाइज इट, बट व्हेन इट बाइंड्स टू द सिग्मा फैक्टर विद द इट फॉर्म्स द आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम, दैट आरएनए हॉलो एंजाइम एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस दिस टू कंसेंसस सीक्वेंस विच आर फाउंड इन द प्रोमोटर, और टू बी मोर स्पेसिफिक द सिग्मा फैक्टर इज द मेन की प्लेयर हियर विच डायरेक्टली एस्टैब्लिशेस द कॉन्टैक्ट विद दिस टू कंसेंसस हेक्सामेरिक कंसेंसस सीक्वेंस। एक हो गया टाटा बॉक्स और एक ये हो गया जो -35 एलिमेंट TTGACA। सो इन दोनों के साथ ये कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता है डायरेक्टली सिग्मा फैक्टर, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। नाउ यही प्रोमोटर में टोटल हम लोगों ने देखा दो कंसेंसस सीक्वेंस है, लेकिन कुछ कुछ प्रोमोटर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स। क्यों उनको स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स बोलते हैं, आइए जानते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो -10 एलिमेंट है, -35 एलिमेंट है, -35 के भी 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम में एक और सीक्वेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, यूपीई, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट। ये यूपीई भी एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है सिग्मा फैक्टर को नहीं, आरएनए पॉलीमरेज के कोड एंजाइम को डायरेक्टली। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम स्पेसिफिकली नहीं बाइंड हो सकता, राइट? लेकिन याद कीजिए हम लोगों ने ये बोला था कि आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम में जो अल्फा सब यूनिट है वो अल्फा सब यूनिट के पास एक पार्शियल एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। सो वो जो अल्फा सब यूनिट है, अभी यहां पे आपको दिख रहा होगा ये जो अल्फा लिखा हुआ है, वो अल्फा एक्चुअली एक वो एन टर्मिनल पोर्शन है, बीच में फ्लेक्सिबल लिंकर है, और वो सी टर्मिनल पोर्शन है, दोनों एक ही है, अल्फा सब यूनिट ही है। तो अल्फा सब यूनिट का जो सी टर्मिनल डोमेन है वो सी टर्मिनल डोमेन रिकॉग्नाइज कर सकता है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को, ओके? सो अल्टीमेटली ये प्रोमोटर्स कर क्या रहे हैं, ये प्रोमोटर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फर्स्ट प्रोमोटर को कंसीडर करें, -10 एंड -35 एलिमेंट ओनली है, तो ये जो -10 एंड -35 एलिमेंट है ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहे हैं सिग्मा फैक्टर को, सिग्मा फैक्टर एसोसिएटेड है आरएनए पॉलीमरेज को, तो वो रिक्रूट कर दिया, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है। जब यूपीई जिस प्रोमोटर्स में प्रेजेंट है वो एक एक्स्ट्रा साइट प्रोवाइड कर रहा है, सो हर प्रोमोटर्स में यूपीई प्रेजेंट नहीं रहता, कुछ स्पेसिफिक प्रोमोटर्स में यूपीई प्रेजेंट रहता है जिसको स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर मतलब
उसमें ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रहा है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज ज्यादा बैठ रहा है और उसमें आरएनए पॉलीमरेज ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, इसलिए रेट ऑफ आरएनए कॉपी का जो रेट है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मात्रा में आरएनए बन रहा है, उससे सिंथेसिस हो रहा है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोमोटर को भी हम लोगों ने देख लिया जो मोस्ट कॉमन है -10 एंड -35 एलिमेंट। नाउ अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे आरएनए पॉलीमरेज के कोड एंजाइम के अल्फा सब यूनिट से इंटरेक्ट कर रहा है और आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के एफिनिटी को टुवर्ड द प्रोमोटर वो बढ़ा रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया। सो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द प्रोमोटर। मान लीजिए किसी किसी प्रोमोटर्स में अगर टाटा बॉक्स हम लोग हटा दे, मान लीजिए लैब में हम लोग काम कर रहे हैं, लैब के कंडीशन में टाटा बॉक्स हम लोग हटा दे, या अगर हम लोग जो -35 एलिमेंट है उसको अगर हम लोग हटा दे तो क्या होगा, उस जीन का एक्सप्रेशन घट जाएगा, या फिर वहां पे जो टाटा बॉक्स है वहां पे हम लोग और कई सारे टाटा बॉक्स को एस्टेब्लिश कर दे, या -35 एलिमेंट्स को वहां पे हम लोग उस सीक्वेंस को वहां पे इनकॉर्पोरेट करे अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट साइट। सो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो बढ़ जाएगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर कुछ वेरिएशन हम लोग लाते हैं या किसी भी प्रोमोटर में कोई न्यूक्लियोटाइड अगर ज्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए -10 और -35 एलिमेंट के बीच में नॉर्मली 17-20 न्यूक्लियोटाइड का गैप रहता है, लेकिन वो और बढ़ गया 30 न्यूक्लियोटाइड हो गया, बीच में और न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट अगर हम लोगों ने कर दिया, तो जो एफिनिटी है टू बाइंड द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम वो घट जाएगा, सिग्मा फैक्टर उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग है वो लूज हो जाएगा, वो वीक प्रमोटर हो जाएगा। सो ये सारे कुछ पहलू हैं जो हम लोगों को यहां पे समझना पड़ेगा। सो नेचर में नेचुरली जो प्रमोटर्स है, एक तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला प्रमोटर देखा जो सिग्मा 70 के लिए मेनली ये प्रमोटर यूज होता है, ठीक है। दूसरा प्रमोटर हम लोगों ने देखा जहां पे जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है जिसपे यूपीई एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ बिसाइड दैट कुछ ऐसे भी प्रमोटर्स पाए गए हैं जहां पे जो -35 एलिमेंट है वो है ही नहीं, यहां पे आपको दिख रहा होगा -35 एलिमेंट ही नहीं है, सिर्फ -10 एलिमेंट है। उसको कंपेंसेट करने के लिए जो -10 एलिमेंट है टाटा बॉक्स के अपस्ट्रीम में एक एक्सटेंडेड पोर्शन को वहां पे अटैच कर दिया जो एफिनिटी को बढ़ाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैचमेंट का। सो इस तरीके से कई सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रमोटर्स होते हैं जिसमें -10 और -35 एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन -10 में उसके डाउनस्ट्रीम में एक डिस्क्रिमिनेटर पोर्शन भी उसमें प्रेजेंट रहता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू।